हे गाइस, आप डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस अक्सर बोलते होंगे, जैसे तुम्हारी कुत्ते ऐसी हालत किसने की, तुमने मेरी कुत्ते ऐसी हालत कर दी, कुत्ते ऐसी हालत बना दूंगा। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइस, इस तरह के सेंटेंस ट्रांसलेट करने के लिए सिक एज अ डॉग या एज सिक एज अ डॉग का प्रयोग करती हैं, और इन दोनों का एक ही मतलब होता है, कुत्ते ऐसी हालत। गाइस, और अच्छे समझने के लिए एग्जांपल देखिए, जैसे तुमने मेरी कुत्ते ऐसी हालत कर दी। यू हैव मेड मी एज सिक एज अ डॉग। यू हैव मेड मी एज सिक एज अ डॉग। तुम्हारी कुत्ते ऐसी हालत किसने की? हु मेड यू एज सिक एज अ डॉग। हु मेड यू एज सिक एज अ डॉग। कुत्ते ऐसी हालत बना दूंगा। आई विल मेक यू एज सिक एज अ डॉग। आई विल मेक यू एज सिक एज अ डॉग। कुत्ते ऐसी हालत क्यों बना रखी है अपनी? वाई हैव यू मेड योर सेल्फ एज सिक एज अ डॉग। वाई हैव यू मेड योर सेल्फ एज सिक एज अ डॉग। आज तो कुत्ते ऐसी हालत हो गई। आई हैव बीन सिक एज अ डॉग टूडे। आई हैव बीन सिक एज अ डॉग टूडे। मैंने उसकी कुत्ते ऐसी हालत कर दी। गाइस, ये सेंटेंस है आपके लिए, जिसकी ट्रांसलेट करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। आई होप आप इस तरह के सेंटेंस अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।